फ़ाइज़ का बाप फ़ाइज़ की ये हालत देख के काफ़ी परेशान हो जाता है और कहता है कि मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए कि तुम अपने मोहसिन से किस तरह ऐसे कर सकते हो। तुम नहीं जानते, जब कोई हमारे साथ नहीं था तब सिर्फ़ और सिर्फ हरीम खड़ी थी और अब हम ये बात कैसे भूल जाएं। जिसको सुनकर फ़ाइज़ कहता है कि मैं बस ये कहता हूँ कि आपको इधर नहीं आना चाहिए था, चाहे आप जो मर्ज़ी करते इस दुनिया से चले जाते आप लोग, लेकिन ये ठिकाना आपको नहीं करना चाहिए था। क्या आप नहीं जानते कि हरीम ने हम सब के साथ क्या कुछ किया था? आखिर कैसे आप इतना बड़ा धोखा खा सकते हैं? आँखों देखी मक्खी कैसे निकल सकते हैं? लेकिन जी अब देखेंगे, शदीद गुस्से में आ चुका है अब उसका बाप भी और कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हारा क्या दिमाग भर दिया है, तुम्हारे दिमाग से ये फितूर निकल क्यों नहीं रहा और तुम क्यों ये बात को नहीं सोच रहे हो। मुझे बेहद अफसोस है तुम पर, मुझे शर्म आ रही है आज तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। वो बहुत परेशान होता है। लाइबा भी बहुत रोती है और कहती है, भाई क्या आखिर आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? किसी की ज़िंदगी को सरा तमाशा कैसे बना सकते हैं? एक इंसान जिसने हमारी इतनी मदद की, हमारा सहारा बने, आप उनके साथ ये सलूक करेंगे? आगे से वो कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता और ना ही तुम हकीकत जानती हो, इसलिए बेहतर यही है चुप रहो। लेकिन लाइबा को भी आज अपनी खामोशी तोड़ देनी चाहिए और सब कुछ बता देना चाहिए कि उसकी माँ ने कितनी चालबाजी के साथ ये सब कुछ किया है और कितनी चालबाजियाँ की हैं। अब उसको ये सारा कुछ खोल के बता देना चाहिए ताकि मज़ीद इसकी ये चलाकियाँ काम ना आ सके और मज़ीद ये लड़की जो है, औरत जो है, वो किसी की ज़िंदगी ना तबाह कर सके, क्योंकि इसने एक साथ कई घर उजाड़ दिए हैं, बहुत से लोगों को जलील और रुस्वा किया है। उसको इसके की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन वो समझ रही है कि उसकी सारी जो बातें हैं वो छुप कर रह जाएंगी और कोई उसकी बात नहीं खुलेगी। लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, जो वो सोच रही है ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरे लब देखेंगे कि लगता है कि फ़ाइज़ उसको छोड़ देगा, क्योंकि उसका बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को आज़ाद कर दीजिए और वो समझता है कि उसकी बेटी के साथ बहुत सा जुल्म किया जा रहा है और उसके साथ रहना मुनासिब नहीं है। अब उसको समझ आ चुकी है तो उनको कहता है कि आप इसको छोड़ दें, और वैसे भी फ़ाइज़ को इसे छोड़ ही देना चाहिए क्योंकि उसकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है, क्योंकि वो इतना ख्याल करके फिर भी अकेली रह गई और फिर भी उसको बातें सुनने को मिल रही। ये इसकी आखिरी बातें हैं, बस वही करने आया था और वही कर रहा है। मज़ीद अब इन लोगों की बातें जो हैं वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैंने इनकी बहुत खिदमत की लेकिन फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिला, कोई चीज़ हासिल नहीं हुई है सिवाय इसके निदामत के। अभी तक वो लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचते हैं जैसा कल सोचते थे। कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर, जितनी देर इन लोगों ने हमें यहाँ पर रखा हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी। ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए, फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जिल्ले हुमा भी अल्लाह को जब प्यारी हो गई, और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई। और उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखेंगे कि अब उसको जहन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के। लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सिर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं। फ़ाइज़ की आंखों से शक की पट्टी अभी तक नहीं जा रही, अभी तक वो ऐसे ही हरीम पे शक कर रहा है और समझ रहा है कि हरीम ही गलत है, लेकिन अभी तक उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसकी माँ ने क्या क्या चालें चली हैं और इन दोनों को लैदा करने के लिए क्या दिमाग भर के रख दिया है फ़ाइज़ का। फ़ाइज़ को जब इस चीज़ का पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगा, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो जो कर रहा है बहुत ही गलत कर रहा है। इतनी बेतबारी इस रिश्ते में नहीं होनी चाहिए थी। इंसान जिसके साथ रहता है उसको इतना तो जांच लेता है कि ये इंसान किस किस्म का है। खैर जी, ये तो
ऊपर की बातें हैं तो आपको बताते चले, फाइज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुदस्सर की हमदर्दी में हरीम जैसे ही आप देख रहे हैं लफ्ज़ बोल रही है और मुदस्सर से कह रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। वो उसको दिलासा दे रही है और उसको कहने की कोशिश कर रही है कि ज़िले उमा की यादों को दिल से लगा के रखिए। ज़िले उमा क्या कहते हैं, चली गई है इस दुनिया से, लेकिन ये नहीं कि आप जीना छोड़ दे, आपको भी ज़िंदगी की तरफ बढ़ना है, अपनी माँ के लिए आगे बढ़ना है। वो उसको ये समझाने की कोशिश कर रही है और उसको कह रही है कि आप परेशान मत हो, मैं आप परेशानी में आपके साथ हूँ। लेकिन जी फाइज ये सब बातें सुनकर उल्टा ही मतलब बना लेता है और कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, तुमने तो ठेका ले रखा है पूरी दुनिया के मर्दों को अपने बस में करने का, यानी कि सबकी हमदर्दी बटोरती हो, सबको हमदर्दी करती हो, तुम मैं तुम्हारे बारे में क्या कहूँ, यानी कि बहुत सी बातें उसके बारे में करता है, जिसको सुनकर हरीम शदीद परेशान हो जाती है और गुस्सा करने भी उसकी हिम्मत नहीं रहती। वो कहती है कि तुम मेरे मामलात में मत पड़ो, तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम कोई भी बात आके मुझसे करो। मुदस्सर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। मुदस्सर कहता है कि आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं और किस लहजे में उससे बात कर रहे हैं, आपको इस तरह की बातें करना जेब नहीं देता है, आप नहीं जानते हैं कि क्या क्या हुआ और क्या नहीं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब आप पर हकीकत खुलेगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ खो दी है। आगे से आप देखेंगे कि फ़ायज़ उसको कहेगा कि आपने तो पा ली है, यानी कि आपने तो शुक्र किया है कि आपकी बीवी की डेथ हो गई और आपका रास्ता जो है वो साफ़ हो चुका है। जिसको सुनकर मुदस्सर कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता, बेहतर यही है कि तुम मेरे दरमियान मत आओ और ना ही मैं आप लोगों से कोई बात करना चाहता हूँ। जिसको सुनकर हरीम कहती है, देखो फ़ायज़ तुम्हारा नहीं बनता कि तुम मुदस्सर सर के बारे में कुछ भी बात करो, इसलिए बेहतर यही है कि उनके बारे में कोई भी ऐसी बात ना की जाए। खैर अब देखेंगे कि जैसे ही घर पे आता है फ़ाइज़ तो देख के लाइबा बहुत हैरान होती है और बहुत रोती है और कहती है कि भाई आप नहीं जानते हैं कि कितनी मदद की है इस हरीम ने हमारी, और आप बिला वजह इसको कसूरवार ठहरा रहे हैं और इसको गलत साबित कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बुरे वक्त में सिर्फ़ और सिर्फ हरीम बाबी के अलावा कोई भी हमारे काम नहीं आया है। लेकिन फ़ाइज़ अभी कहाँ सुनने वाला है, ताज़ा ताज़ा उसकी आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो देख के आ रहा है कि हमदर्दी बटोर रही है मुदस्सर की वो, इसलिए अब देखेंगे कि वो कहता है कि चलो जो बातें थी वो ठीक है, लेकिन एक पल के लिए भी अब हम लोग इधर नहीं रहेंगे। खैर जितनी देर इन लोगों ने हमारा हमें यहाँ पे रखा हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन मज़ीद इन लोगों की तरफ हम नहीं रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है हरीम और कहती है कि हाँ ठीक है, मैं खुद आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती, मैंने तो पहले ही ये बात कर दी थी, ऐसे होना भी ऐसा ही चाहिए, फ़ाइज़ लोगों के साथ तो बिल्कुल इसको रहना ही नहीं चाहिए। और दूसरी तरफ जिले अल्लाह को जब प्यारी हो गई और वैसे भी अब इसको सीधा जाना चाहिए उधर और जाकर अपनी ज़िंदगी उधर ही बसानी चाहिए, क्योंकि मुदस्सर की माँ की ख्वाहिश तो वैसे भी पूरी हो गई कि वो चली गई और उसके बाद दूसरे नंबर पे आप देखेंगे कि अब उसको जहन है कि जल्दी से बस वहाँ से हरीम की जान छूटे और हरीम इस घर में आ जाए, क्योंकि वो हरीम से बेहद प्यार करती है बिना किसी लालच के, लेकिन वो चाहती है कि मुदस्सर की ज़िंदगी फिर से बात हो जाए, फिर से वो अपनी ज़िंदगियों में खुश रहे, बस और कुछ नहीं।